वो जगह पहले किसके पास थी, वो टूटने के बाद सड़कों ने उसमें और 3.5-4 एकड़ जगह लेके बनना, आज वो टेंडर स्वस्तिक बिल्डर ने लिया हुआ है। ये स्वस्तिक बिल्डर किसका है आपको सबको पता है, 3 साल से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, करने रहा, आखिर में कल मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना पड़ा कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। उसका पूरा जायजा कल मुख्यमंत्री ने अपने दादा से मांगा है, क्योंकि मैंने कल हल्ला बोला कर दिया उधर, मैंने कुछ छोड़ा नहीं उधर कुछ, मैं बोला प्रोजेक्ट के पीछे किसका इंटरेस्ट है, किसको वो जगह चाहिए, किसको जगह में इंटरेस्ट है, मुझे तो नहीं है, फिर किसको इंटरेस्ट है, क्यों नहीं वो वापस रिकॉल करते हैं, क्यों टेंडर टेंडर को ये नहीं काम करने देते, खाली वो एक प्रोजेक्ट बाकी है, उसको अभी तक चालना मिल गई है और अंदर जाके मैंने हमेशा उसमें लिया है। अगर उसके बाद भी कुछ अगर कुछ होता है तो मैं डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट को रोक रहा हूँ, उसका भी काम दे, तो मैंने बोला ए सी ओ को अभी के अभी निकालो, उसका क्या इंटरेस्ट है उस जगह में, क्यों ये प्रोटोकॉल उसको ही देना चाहते है, क्यों बीओटी पे दिया तुमने, बहुत झगड़ा हो गया हमारा, यही आवाज में सीएम के साथ मैंने बात की है कल, आपको जो करता है तो जाओ कुलकर्णी को पूछो, अंकुश को पूछो, या उसको पूछो, चूड़ापट्टी को पूछो, यही जोर से मैं चिल्ला के बात की कि ये अधिकारी का इंटरेस्ट क्या है, किसको देना चाहता है, किसका उधर पुनर्वसन करना चाहता है वो, आप क्या लगा मैं चुप बैठूंगी। स्टेटस रिपोर्ट बनाने के लिए सीएम ने कहा यस, ये कभी तक बनेगा, ये 8 दिन करना चाहिए, आज कल मेरा वापस एक लेटर जाएगा कि अभी वो रिजेक्ट हो सकता है, 2017 का काम है, वो कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, उसने धमकी दे हम कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाने से 2017 का काम है, इतना अभी तक क्या डालू, आज मैं लेटर देने वाली हूँ सीएम को, तो आगे भी